मनोज भैया ने, सजीव जी ने, आलोक जी ने जो एक बीड़ा उठाया है सारे कॉमेडियंस को लेके एक अच्छी फिल्म बनाने की, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने हिस्सेदारी की जो भी है उसको ईमानदारी से करें। जैसे हर फिल्म में हम कोशिश करते हैं कि हमारी भागीदारी पूरा 100% रहे, ताकि अच्छी फिल्म में एक इन्वॉल्वमेंट हो, हमारी भी हिस्सेदारी हो। हम लोग कोशिश करते हैं, आप सबके आशीर्वाद की हमें ज़रूरत पड़ेगी, आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। मजा चखाया इन्होंने, और एक एक नहीं सबके नाम, जिनकी बड़ी बड़ी हिट है उसमें राज जी का हमेशा योगदान, मेरे करियर में तो इनका सबसे ज्यादा अवार्ड, मुझे लगता है अगर 15 अवार्ड मिला होगा तो 13 तो इन्हीं की फिल्मों से मुझे मिला। और ऑलवेज जब भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहा हूं और जब भी कुछ अलग रोल करना चाहा हूं, और मैंने भैया से बोला भैया मैं इस तरह करना चाहता हूं, तो करो ना अगली फिल्म में करो ना। मैं भैया प्लीज आप यहाँ पर आए हैं, आप हमारे सीनियर ही नहीं, आप हमारे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं, मैं चाहूँगा दो शब्द मंच पर आकर प्लीज बोले। शिकायत जायज़ है और उसके हकदार बहुत सारे होते हैं, और हम लोगों को भी लगता है कि अब जो सब्जेक्ट बना है उसके लिए किरदार क्या अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, उस तरह से लोगों का चयन होता है। इसका ये मतलब नहीं जो काम नहीं कर पाए मानो दो चार फिल्मों में उनसे कोई नाता टूट गया है या वो बहुत दूर हो गए हैं। ज़िंदगी रह सकती है, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और फिल्में तो बनती रहेंगी कि पूरा जो परिवार है सिनेमा का ये हिस्सा है इस इंडस्ट्री का, और काम चलता रहेगा, बस शो जो है वो गो ऑन रहना चाहिए, लोग अच्छे रहना चाहिए। मनोज टाइगर का ही टाइटल जो है लागल रहा बताशा, आप ही का लागल रहा। हाँ, मैं वही बोलने वाला था कि पहली बार इन्होंने जब एक्टिंग किया था मेरे डायरेक्शन में तो वो फिल्म ही थी लागल रहा राजा जी, लागल रहा ए राजा जी, और ये और दिनेश जी दोनों मतलब उसमें बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है लोगों का, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। और फिल्म सिल्वर जुबली हुई थी, वो पिक्चर मुझे लग रहा है 10-11 बार नारंग जैसे सिनेमा हॉल में लगी है, रिपीट अगर कोई फिल्म आज भी लगती रहती है तो उनमें से वो एक फिल्म है। बहुत खूबसूरत फिल्म थी जिससे बहुत बड़ा स्टारडम बहुत सबको मिला था, हमको मिला था, इवन दिनेश जी का बहुत बड़ा प्राइज उससे सेटल हुआ था, तमाम लोगों का, और मुझे लगता है हाँ विराज भट्ट आए थे उसमें। और बस यही दुआ करता हूँ कि ये भी जो लागल रहा है ये उसी की श्रृंखला में उसको और आगे बढ़ाए। पीला जो हमेशा लाल रहता है आज हमारे सामने है, पहले संजय पांडे जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए मेरे भैया के लिए, थैंक यू। आप आए बाहर आई सच में, आप आए ना मजा आ गया, आपको देखा आंखें चुभिया गई। मनोज भैया आपका तो कोटी कोटी धन्यवाद, हर कोई बोला ही होगा सब बोल चुके। राजकुमार जी आए हैं, सबसे रोमांटिक है जोर से बोलिए, राजकुमार जी आए हैं मतलब जगह इस बात की बोल रहे हैं हमारे टाइम में तो मिलती बहुत आ गई। वाह वाह, मेरा नाम संजय कुमार कुशवाहा है और वी क्लासिक मूवी प्रोडक्शन को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। यहाँ पे इस फिल्म के बारे में मनोज जी ने हमें कंसेप्ट के बारे में चर्चा किया, कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल नया और डिफरेंट लगा। और रही बात ये प्रोडक्शन हमारा एक बिजनेस नहीं है, मैं एज ए शौक से इस काम को करना चाहता हूँ, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और हमने इस काम को शुरुआत किया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुझे कमाने के लिए आना है, यहाँ पे हमने एक नई चीज़ को पहल करके लाया जा रहा है कि साफ सुथरी मूवी बने, अश्लीलता रहित रहे, और हमने प्रयास किया है कि अपने लोगों के बीच में एक नई चीज़ को दिया जाए लोगों के साथ। भैया भी आने का मनोज सागर जी और ऑनलाइन नजर आ रही है फिल्म का जो पोस्टर, क्या कहना चाहेंगे कि कितना खास होगा ये फिल्म, कितना अलग ढंग से होगा? जिस तरह से इसको सोचा गया है, जैसे कि आलोक जी ने इसके बारे में डायरेक्ट करने जो प्लानिंग उन्होंने किया हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अलग होगा और दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कि हमें अच्छा लगा। मनोज की एक तो एक कॉमेडी मूवी है और हमारे देखने से भोजपुरी में बहुत अच्छे कॉमेडी हैं मनोज जी, और इनके कॉमेडी हीरो जो हैं पूरी ग्रुप है तो सारे ग्रुप को लेकर बनाया गया, इसलिए मनोज जी को लीड रोल दिया गया यहाँ पे। कॉमेडी फिल्म मनोज चाकर जी इस फिल्म में आम पाले के साथ काम कर
अलग तो है ही और सही मायने में बिल्कुल सही फिल्म है, क्योंकि कॉमेडियन की जब भी इस बात पर अगर हम चर्चा करें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कॉमेडियन कौन है, तो पहला नाम उभर करके सामने आता है वो मनोज टाइगर जी का है। और बहुत कम ऐसा होता है कि एक इंसान की पहचान उसके वास्तविक नाम से ना होकर के उसके कैरेक्टर से हिट कर जाता है। जैसे मनोज सिंह टाइगर, आज अगर बिहार में आप चले जाएं, मैं उनके साथ घुमा हुआ हूं, तो बिहार में मुझे लगता है कि 100 दर्शकों में 10 लोगों को ही पता होगा कि मनोज टाइगर नाम है ना, तो सब लोग ये कहेंगे अरे बतासवा है। बतासा एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है हमारी इंडस्ट्री का, जो हिट कैरेक्टर है, और उनके ऊपर अगर फिल्म बन रही है तो लागल रहा बतासा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छे कैरेक्टर के साथ बहुत खूबसूरत सी, बहुत खूबसूरत टाइटल है, और मेरी बेस्ट विशेज है उनके साथ में कि ये फिल्म बड़ी हिट हो, अच्छी बने। मनोज को लेकर मैंने, मुझे लगता है 24-25 पिक्चर बनाई है मैंने, और तो बहुत अच्छे अभिनय करते हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मर हैं। कॉमेडी मेरी फिल्मों में, जैसे उन्होंने बताया भी थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे फिल्मों में उनको अवार्ड भी मिला है मेरी फिल्मों से, नागिन जी और तमाम साथ सहेलियाँ और तमाम पिक्चरों में। ये जो बताशा है, ये एक बहुत बड़े फिल्म का टाइटल था जिसके अंदर ये उनके करेक्टर का नाम ही बता चुका था, मेरा हुआ रिक्शा वाला, जिसमें टाइगर ने किया था। और बताशा चाचा वो इतना हिट हुआ कि बच्चों को, अब जो बच्चे उस टाइम बताशा चाचा चाचा करते थे, बड़े हो गए, बड़े तो उनके लिए वो एक चेहरा जो है मनोज टाइगर का, वो बहुत प्रभावित करता है और बहुत अट्रैक्शन वाला है। और ये फिल्म जो है बताशा चाचा, लागल रहा बताशा चाचा जो भी है, लागल रहा बताशा, तो ये बताशा फिर से मिठास देगा। और मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, मनोज टाइगर राइटर बहुत अच्छे हैं, अभिनेता बहुत अच्छे हैं। अगर किसी एक्टर को, किसी को प्रिपेयर करना हो, उसको टीच करना हो, तो इन द मेन टाइम टीचर भी बहुत अच्छे हैं और वो सोचते हैं, मजा लेते हैं सिनेमा का। तो आई थिंक ये जो सिनेमा है, इट विल क्रिएट अ मैजिक, ये मैजिक क्रिएट कर रहा है। फिल्में तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जिन फिल्मों से मुझे बड़ी खुशी हो रही है, एक हमारी फिल्म आ रही है मेहंदी लगा के रखना पार्ट 2, दो युवा स्टार एक साथ नज़र आएंगे, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है मेहंदी लगा के रखना पार्ट 2, जिसमें प्रदीप पांडे चिंटू और यश कुमार एक साथ आ रहे हैं। उस फिल्म से मुझे लगता है कि सिनेमा का एक और दृष्टिकोण चेंज होगा, क्योंकि वो रूटीन फिल्मों से अलग हट करके फिल्म है, जो युवा वर्ग को भी प्रभावित करेगा, मध्यम वर्गीय परिवार को भी प्रभावित करेगा, और हाई एजुकेशन जिन लोगों के पास है, जो ये सोचते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में सिर्फ मसाला फिल्में बनती हैं, वो मसाला है लेकिन स्टैंडर्ड लेवल का मसाला फिल्म है वो। और उसके बाद फिर नागराज आ रही है मेरी, जो इस साल बहुत जल्दी रिलीज होगी, और एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म मेरी 4 पे जाने वाली है, टाइटल अभी फाइनल नहीं है, लेकिन पहली बार मैं एक पर्दे के ऊपर एक मासूम सी बच्ची के पिता का रोल करने वाला हूँ, और वो पिता जवानी से बुढ़ापे तक का सफ़र एक बेटी के लिए किस तरीके का एक बाप सेक्रीफाई करता है, वो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो रोल मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है, कि मैं अपने आप को, यश कुमार ने अभी तक एक्शन एक्शन किया है, यश कुमार किस तरीके से एक संवेदनशील बाप के किरदार में किस तरीके से वो रोल प्ले करेगा, और यश कुमार बूढ़ा कैसा लगेगा पर्दे के ऊपर, उन सब चीज़ों पर थोड़ा वर्कआउट कर रहा हूँ मैं। एंड उम्मीद करता हूँ कि वो फिल्म बहुत कमाल की बनेगी, और उसको 2018 छठ पर्व पर मैं उत्तर प्रदेश और बिहार रिलीज बना रहा हूँ, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से बन जाए, उसके बाद उस पर भी आप देखेंगे खुद ही अलग आपको लगेगा। पाकिस्तान के ऊपर यूँ तो फिल्में बहुत बनी हैं, लेकिन जिन दो फिल्मों ने इतिहास रचा है सही मायने में, 2-3 फिल्मों ने, पटना से पाकिस्तान थी, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी पांडे जी ने, उसी का पार्ट 2 बनाया, तो मुझे लगता है पाकिस्तान पर कोई कितना भी बना ले, फायदा दो ही को होना है। बहुत अच्छी फिल्म है, और बहुत बड़े बड़े कलाकार फिर से इस पिक्चर में, बहुत भव्य सेटअप वाली फिल्म। नहीं, इसमें कॉमेडी तो है ही, चूंकि फिल्म ही कॉमेडी फ्लेवर की है, बट वो एक पॉजिटिव करेक्टर है, विलन नहीं है इसमें, जैसा मनोज जी ने मुझे बताया कि हम ऐसा हीरो तो नहीं बोल सकते, हीरो बोल के खुद को क्या खुश करें, हम एक पॉजिटिव और स्ट्रांग पॉजिटिव करेक्टर है, आप हीरो भी कह सकते हैं।
डेफिनेटली नाम की तरह फिल्म का संगीत भी एकदम अलग करने की कोशिश करेंगे, कॉमेडी मस्ती फुल एंजॉयमेंट डेफिनेटली कुछ नया होगा, क्योंकि स्क्रिप्ट जिस तरह से मुझे बताई गई है वो तो धमाल करने वाला है, बहुत मजा आएगा। ये मनोज की ड्रीम प्रोजेक्ट है और सटायर है, कुल मिला के जो थोड़ा बहुत मुझे बताया है उसके हिसाब से मैं बाप हूँ उसका, और थोड़ा सा कमिक है, फनी है बाकी। प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, कई बार दिमाग से मिस हो जाता है। अभी जो फिल्म में फिलहाल करने जा रहा हूँ, अभी एक फिल्म बन रही है मेरी गबरू, जिसे महेश पांडे डायरेक्टर है, उसमें ओम जी का म्यूजिक है, वो फिल्म फ्लोर पे है। प्लस अभी करके आया हूँ मैं एक फिल्म खेसारी जी के साथ, तदंग सरकार। उसके अलावा अभी जस्ट दिनेश यादव जी के साथ फिल्म की है मैंने अभी खुददार, और अभी कल करने जा रहा हूँ निर्वाण हिंदुस्तानी 3 बन चुकी है, 3 की शूटिंग स्टार्ट हो रही है, बॉर्डर कंप्लीट की मैंने अभी संतोष मिश्रा जी के डायरेक्शन में, तो इस तरीके से है सारी फिल्में लाइन। अच्छा क्या है तो हाँ अब इनसे पूछना सर, जाना चाहूँगा मनोज टैगोर जी की फिल्म है और इतने दिन से अभिनय कर रहे हैं, क्या खास होता है इस फिल्म में, क्योंकि पोस्टर पे अंबानी जी और मनोज जी हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं एक ही बात बोलूंगा, खास जो नाम देख रहे हैं ना आप बतासा, सबसे बड़ा खास तो वही है बतासा, कि एक बतासा की सिक्वल आ रही है, तो जो बतासा से जिसने मनोज जी को इतनी बड़ी प्रसिद्धि दी तो आज उसकी सिक्वल आ रही है, तो नो डाउट सिक्वल तो सुपर हिट होगी। उसके बाद इस बार तो उन्होंने पूरी कॉमेडियन हीरोज को एक फ्लोर पे उतार दिया है, तो आप सोच लीजिए क्या होगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कॉमेडी जो अलग अलग फिल्मों में करते थे, इसमें सारे कॉमेडियन जितने भी है सब एक साथ करने वाले हैं, तो आप मान के चलिए के जी हैं, मनोज जी हैं, तो मतलब कितने अच्छे कॉमेडियन है सोच सकते हैं आप, तो ये सारे इसमें सब साथ में ही है सब, तो मतलब पूरी फिल्म हमारी ये कॉमेडी बन रही है। अरुण भाई की बात से सहमत हूँ, मनोज जी बतासा हैं और बतासा से काफ़ी फेमस हैं, और ये उनका एक सराहनीय कदम है और ये एक नई शुरुआत है भोजपुरी सिनेमा में, और आज तक हीरो विलेन कॉमेडियन सब अलग अलग दिखते थे, यहाँ सारे कॉमेडियन दिखेंगे, हीरो भी कॉमेडियन होगा, विलेन भी कॉमेडियन होगा, हर कैरेक्टर कॉमेडियन होगा, तो सोचिए 3 घंटे में क्या धमाल होने वाला है, धमाल ही धमाल हो। ये अगर एक बोला जाए तो ये मनोज जी का नेचर है कि आज जैसे मैं आप लोगों के सामने हूँ, तो मेरी जब मैंने सेकेंड पारी शुरुआत की तो उसमें बहुत बड़ा हाथ मनोज जी का है, मनोज जी ने ही मुझे इंसिस्ट करके कि भैया नहीं मेरी फिल्म है लेके आजा बैंड बाजा, क्रिस एक्जिम की थी जो जिसके प्रोड्यूसर थी ख्याति जी, तो उनके पास लेके गए, बोले कि नहीं आप ही मेन विलन करेंगे, इंडस्ट्री में वापस जबरदस्ती मुझे लेके आए, आज ऐसा हो गया है कि जाने का दिल ही नहीं करता है। तो मनोज जी का नेचर है, जैसे आज मैंने देखा ये स्टेज पे उन्होंने अपना एक प्ले ग्रुप पंचम रंग बनाया जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ छोटा सा, बाकी कई लोग मेंबर हैं, और सारे मेंबर्स को उठा के उन्होंने मंच पे खड़ा किया और आज उन्हीं को लेके एक फिल्म बना रहे हैं, ये बहुत कम लोग करते हैं। आप लोगों ने पोस्टर को ठीक से नहीं देखा है, ध्यान से देखिए, मनोज टाइगर जी की आंखों में हम सब दिख रहे हैं। मनोज टाइगर जी की अकेले फिल्म नहीं है, हम सब कॉमेडियंस की है, जितने भी भोजपुरी के कॉमेडियंस हैं सभी के सभी उस इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं, लेकिन हाँ कोई ना कोई एक सूत्रधार होता है जिनका जिनके बारे में लोग मनोज, आप जैसे आपने कहा कि मनोज जी की फिल्म है, तो इस तरह से उनकी बात आती है, उनका पोस्टर में फोटो आता है, हम सबका फोटो लगने वाला है यहाँ। आर्टिस्ट तो अच्छे हैं, पूरी पूरा पूरा बिहार ने जाना, पूरा यूपी बिहार जानता है कि इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, साथ ही साथ वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और एक नया इतिहास, पहले भी उन्होंने कई बार इतिहास रचा है और एक नया इतिहास रचने वाले हैं मनोज टाइगर जी विथ ऑल कॉमेडियंस द कॉमेडीज हीरो। पहले भी काम किया हुआ है और रोड शो भी मैंने किया है साल में उनके, के जी भी थे, हम सब साथ में बहुत मस्ती की थी, और ये उनका सपना था कि कॉमेडीज हीरो आए फिल्म में, और उनका सपना साकार होने जा रहा है, नगर रहा बताशा, तो सब
कि वो देखेंगे क्या है लग रहा बताशा में, जैसे हम रूपाली जी भी हैं और मनोज जी ने सबका सपना पूरा किया, हम सब चाहते थे कि कॉमेडी जीरो भी एक साथ रहे फिल्म में और वो होने जा रहा है। और इसके अलावा कौन कौन से काम कर रहे हैं आप? एक दो और हिंदी फिल्में कर रहा हूँ, सीरियल चल रहा है बिग मैजिक पर रुद्र के रक्षक, एक साल से चल रहा है, और खेसारी जी के साथ एक फिल्म आ रही है, और एक कल मैं जा रहा हूँ हिंदी फिल्म की शूटिंग के लिए दमन में, जिसमें अंजलि जी भी साथ में हैं, हम सब काम कर रहे हैं। और इस फिल्म की खासियत है कि ये एक इतिहास है, हिस्ट्री, इससे इतिहास बनने वाला है। जिस तरह हिंदी फिल्मों में महमूद साहब ने इतिहास रचा था, कुंवारा बाप और न जाने बहुत सारी फिल्में, उन दिनों हीरो से ज़्यादा चलती थी महमूद साहब की। फिर बाद में जॉनी लीवर साहब आए तो हीरो साल में 2 फिल्में करते थे, जॉनी लीवर साहब साल में 10-12 फिल्में करते थे। तो इसी तरह से मनोज टाइगर जी और हम लोग हैं, हम सब एक्चुअल देखा जाए तो लोग हम लोगों को आंकते कम है, फिल्म इंडस्ट्री वाले या भोजपुरी इंडस्ट्री वाले हम लोगों को आंकते कम है, लेकिन हमें कम मत आंको, वी आर द रियल हीरोज, हम लोग एक्चुअल रियल हीरोज हैं, जिसे हम लोगों को लोगों ने आंखें बंद करके देखा है, छोटी आंखों से देखा है, ब्राइट करो, वाइड लेंस लगाओ, दुनिया बहुत बड़ी है। बहुत ज्यादा जिसके साथ मैं फिल्म पहले देखा कर रहा था, साथ में काम किया, आज एक संपूर्ण रूप से हीरो बना और फिल्म का हिस्सा बनाया मुझे, बहुत खुशी हुई मुझे। तो क्या कहना चाहेंगे, हाथ से करना कितना मुश्किल काम होता है किसी का? भैया हंसाना जीवन में सब क्या है, हंसने रोने, लेकिन जो मैं हंसाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हंसा कर परिवार को पढ़ना, देश को पढ़ना, समाज को पढ़ना, तो क्या बोल रहे हैं, जिम्मेदारी ही होती है और उसको अच्छा ही कहा जाएगा। और इस फिल्म में के अलावा कोई फिल्म में काम कर रहा है? इस फिल्म के अलावा मैं फिल्म कर रहा हूँ 9-9 की प्रेम कहानी, जिला चंपारण का बाद चंपारण नाम है फिल्म का, और आगे भी फिल्में हैं सब। 13 अप्रैल को मेरा फिल्म आ रहा है माई दे माई लड़की चाहिए। जी मैं बताता हूँ, फर्स्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे, वी क्लासिक जो ये फिल्म बना रहे हैं, वी क्लासिक मूवीज प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी के ये कार्यकर्ता लोग हैं, जिनमें कि डायरेक्टर आदिश्याम जी और ये जितेंद्र गुप्ता जी हैं, आदिल जी हैं, और ये नरेंद्र जी। सो प्लीज़ आप लोग अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं। सर पहली बात तो हम लोग ये तो रूरल एरिया से हैं, गांव से हैं, और भोजपुरी फिल्म बन रही है और खासकर कॉमेडी है और सभी कॉमेडी एक्टर हैं, तो इसको लेकर हम लोग पूरे कंपनी में बहुत ही उत्साहित है लोग, बहुत ही ज़बरदस्त प्रमोशन भी हो रहा है, और जहां तक मेरा सोच है और मैं मानता हूं तो आज तक जो भी भोजपुरी फिल्म आया है सबसे टॉप में इसको जाएगा। आज मनोज की फिल्म का मुहूर्त हुआ है, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, और मनोज के लिए मैं कुछ चीज़ें जो मेरे लिए स्पेशल रही हैं इतनी एंटायर जर्नी में, मेरी जो मेरे लिए मनोज की चीज़ें बहुत स्पेशल रही हैं उसके बारे में ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। इस इंडस्ट्री में आप बहुत लोगों के साथ काम करते हो, लेकिन दोस्त आपके नहीं बनते हैं, कहते ना आप सबके साथ काम करते हो, तो मैं कहूँगी कि अगर वाकई ही कोई ऐसा इंसान है जिसने मेरे साथ दिल से दोस्ती निभाई है, तो निरहुआ यहाँ पे नहीं है, निरहुआ एक ऐसा नाम है जो मैं कहूँगी कि वाकई वो दिल से यारों का यार है, और दूसरा ये शख्स है जो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहा है। हमने इंडस्ट्री में हम सभी लोग उतार चढ़ाव देखते हैं, एकदम से जुप करके ऊपर जाते हैं, फिर आपको पैर पकड़ के ऐसे नीचे खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज़रूर करना चाहूँगी जिन्होंने टांग पकड़ के मुझे नीचे भी खींचने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैं उन लोगों का भी धन्यवाद कैसे ना करूँ जिन्होंने मुझे हमेशा हाथ पकड़ के ऊपर उठाया है, और वो मनोज टाइगर है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो
जो आपके बुरा वक्त तो नहीं कहूंगी लेकिन जब आपको काम की तंगी होती है, जब आपको कुछ अच्छा करने की वो चाह होती है, उस समय आपका जो लोग साथ देते हैं ना वो जिंदगी भर आपके साथ होते हैं। तो मेरा मनोज के साथ कुछ ऐसा रिश्ता रहा है कि मिले तो हम काम पे थे लेकिन आज ऐसा हो गया है कि मनोज के बिना मैं तो नहीं रह सकती हूँ। मतलब ऐसा है कि कोई ऐसी चीज होती है जहाँ पे मुझे डिस्कशन करना होता है, कोई ऐसी चीज होती है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत है, किसी की मदद की जरूरत है, किसी ऐसे इंसान की, किसी अपने की जरूरत है, वहां पे मनोज हमेशा खड़ा मेरे साथ और मैं मनोज के लिए। ये मनोज अच्छी तरह जानता है क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे मुझे इतनी सच्ची और मुंह पे बोल देने वाली कोई दिखी ही नहीं है। क्या है बोलना है मुंह पे, पीछे कुछ नहीं। क्या है मेरे बारे में बहुत सारी बातें लोग अटकलें लगा लेते हैं, लोग एक जुबान खुलती है तो उसके साथ साथ जो वो बोलती है पीछे बहुत सारे लोग बोलते हैं, अनाप शराब बहुत सारी चीजें मेरे बारे में बोली जाती हैं, काम में बहुत महंगी हूँ ये तो सबसे पहली बात बोली जाती है, ऐसा प्रॉब्लम दूंगी या काम नहीं करना चाहती हूँ भोजपुरी में या बहुत ज्यादा पैसे लेती हूँ। लेकिन मनोज जानता है कि मैं कितना काम करना चाहती हूँ या कितने लोगों के लिए मैंने ऐसे ही काम भी कर दिया है, लेकिन वो लोग उस चीज को मानना नहीं चाहते। तो मेरे लिए बहुत सारी इस इंडस्ट्री में अलग अलग बातें हैं जो कि मैं कहूंगी कि 80% झूठ है, बिल्कुल झूठ है, और जो 20% लोग जानते हैं तो 20% वो मैं कहूंगी उसका एक्चुअल 100% मनोज टाइगर जानता है मेरे बारे में। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि दोस्तों की दोस्त और मैं तो कितने सिनेमा को जानता हूं। आके आदमी ने बोला कितना पैसा लेंगे, बोलते पैसा मैं नहीं मांगता, मनोज आया ना साथ में, पैसा नहीं चाहिए। अभी पैसा मैं बोल नहीं सकती, मैं क्या बोलूँ, और काम मैं इतना जानता हूँ कि इन 18 सालों में मैं 2003 से हूँ इंडस्ट्री में, 2003 से 2018 में मुझे नहीं लगता कि संभावना जी जैसा कोई ना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं अभी मैंने राघव के साथ भी काम किया, इनकी फिल्म अभी आ रही है हल्फा मचा के गर्ल, और इनका जो इंट्रोडक्शन सॉन्ग है अभी अभी इनके साथ मैंने शूट किया है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत आगे आएगा, एंड आई रियली होप एंड विश एंड आई प्रे कि इसकी फिल्म अच्छी जाए और ये जो करना चाहता है भोजपुरी इंडस्ट्री में नया नए नए कलाकारों की बहुत ज़रूरत है, एक अच्छे नए फेस की बहुत ज़रूरत है। तो एक डेफिनेटली मैं राघव कहूँगी, और दूसरा जो शायद आप लोग नहीं जानते कि अविनाश जो यहाँ बैठा है, मैं इसलिए नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ कि अविनाश मेरे हस्बैंड हैं और मैं इसलिए अविनाश की तारीफ कर रही हूँ। ये जेन्युइनली तारीफ के कहते ना डिजर्व करते हैं, काबिल हैं, ये मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, इनका काम इनके लिए बोलेगा इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं इतना सिर्फ कहूँगा मैंने 18 साल में मंच किया है, भगवान ने मुझे अभिनेताओं की बड़ी गजब की परख दी है। इनका एक सिनेमा मैंने देखा, उसके पहले मैं इनको जानता था, ठीक है अविनाश संभावना जी के हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे तो दोस्त भी हैं, लेकिन नचनिया एक इनकी फिल्म आने वाली है उसको देखने के बाद मैं उस रात तो मैं सो नहीं पाया था, वो इनका तांडव मेरे दिमाग में दिख जाता, ऐसा कमाल का अभिनय। और आज एक और चीज़ बता रहा हूँ, वी क्लासिक ग्रुप की बहुत जल्द एक फिल्म में एज ए हीरो हमारे भाई के डायरेक्शन में ये काम साइन होने वाले हैं और काम कर रहे हैं। ओह थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी आई थिंक इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले बस लास्टली मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जो भी इनके ड्रीम्स हैं, इनके ब्रदर्स यहाँ पे हैं, प्रोड्यूसर यहाँ पे हैं, इनका जो भी इनकी इच्छाएं हैं, जो इनका वेंचर एक स्टार्ट हुआ है वो जिस बड़े लेवल पे स्टार्टिंग तो करी है, लेकिन मैं कहती हूँ ना दिन दुगनी रात चौगनी इनकी तरक्की हो, और जो ये सोच के आए हैं क्योंकि ऐसे लोगों की भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है जो भोजपुरी को आगे लेकर आए ना कि पीछे खींचे, ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। सो मेरे तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को बधाई एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लंबे टाइम से नहीं जानता हूँ, मुझे 3-4 साल हुए इनको अच्छे से जानते हुए, और मेरे को जो पहली इनसे मुलाकात हुई वो यही था कि इनकी एक बहुत अच्छी इमेज है एक अभिनेता की, बहुत कमाल के अभिनेता। मैं यही कहूँगा भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ स्टार्स हैं और कुछ अभिनेता हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो स्टार अभिनेता हैं, और उनमें से एक मनोज टाइगर। अरे क्या बात है,
इनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है, इनको अभिनय की इतनी छोटी छोटी बारीकियां पता हैं कि समझ में आता है कि इन्होंने अपनी नींव इतनी मजबूत बनाई है कि इनको कोई भी कैरेक्टर दे दीजिए, आप कोई भी किरदार दे दीजिए, उसको जिस तरह से तराशते हैं, मतलब आपको इनको ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ेगा। हर फिल्म में आप देखेंगे कई अभिनेता सेम लगते हैं, लेकिन ये हर किरदार में अलग लगते हैं। और इनका जो बतासा जो फेमस हुआ है, बतासा चाचा, उसी चीज़ को टाइटल को लेके फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, और ऐसे मुहूर्त भी बहुत कम होते हैं। तो इस मुहूर्त में वो बात है, और ऊपर से टाइटल बतासा, तो मुझे लगता है मेरी तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और अभी से ये दिख रहा है कि ये कितना आगे इसमें जो है, मुझे 500 वाट का बल्ब जलता हुआ दिख रहा है। बच्चा से जानता हूँ, बच्चा तो इतना बड़ा था, बहुत छोटा था मैं, तब से इनको देखता आ रहा हूँ। अब इनसे फिल्म करने का मौका मिला, इनसे बहुत कुछ सीखने मिला। और रही बात संभावना जी की, जो उन्होंने बोला कि इनकी जो अफवाह ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इनके साथ दो सॉन्ग करे हैं, शी इज वेरी सपोर्टिव, शी इज वेरी अरे, लेकिन कोई मानता नहीं है ना, उसका क्या कर रहे हो? और मनोज जी एक चीज बोलूंगा, मनोज जी लव योर बतासा, लव योर बतासा, ऑल द वेरी बेस्ट। बोल दीजिए, 5 अगस्त का हेलो सबसे बड़ा शो करने जा रहे हैं, उस शो में आज ही से संभावना जी को हमने दर्शकों, महेश आचार्य का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम एक फिल्म के मुहूर्त का है जिसका नाम है लागल रहा बतासा, और मनोज टाइगर जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि सारे भूतपुरिया कॉमेडियंस के लिए उन्होंने एक नई फिल्म की जो बनाने की पहल किया है उन्होंने, लागल रहा बतासा। हमारा भोजपुरी के जितने कॉमेडियंस हैं सब उनके साथ हैं। मनोज भैया के फिल्म के आज मुहूर्त है लागल रहा बतासा, और मनोज भैया बतासा से बहुत फेमस हुए, और बच्चा बच्चा इनको नाम से जानता है, पूरी हमारी इंडस्ट्री से लेके पूरा हमारा जो दर्शक है सारे लोग बतासा के नाम से जानते हैं। तो वैसे ही ये लोकलिटी बहुत बड़ी है बतासा, और साथ में अमृतपाली जी हैं हमारे भोजपुरी की आन बान शान। मैं यही कहना चाहूँगा इस फिल्म बहुत बेहतरीन बनेगी, अच्छी बनेगी, बड़ा प्रे है, गैस है, फिल्म अच्छी बने, सुपर डुपर हिट हो, बड़ा खुशी हुआ, आज खुशी का मौका है, नवरात्रि में फिल्म का मुहूर्त है। और मैं सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आप जिस प्रोग्राम में आए हैं आज, मनोज जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, सारे कॉमेडियंस को लेके एक फिल्म बनाना की कोशिश की है हम लोगों ने। जैसे कि आप लोगों ने महमूद साहब को देखा है, उससे पहले और भी बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में लोग हैं जो सारे कॉमेडियंस को लेके फिल्म बनाने का प्लानिंग किए हैं। एक शुरुआत है मनोज जी के माध्यम से कि बहुत सारे कॉमेडियन, जितने कॉमेडियंस हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, उन सबको लेके एक फिल्म प्लान किया उन्होंने, और मेरे हिस्से में जो भी होगा मैं ईमानदारी से करने की कोशिश करूँगा। लगातार जान की बाजी है, जीएम का तोरे भी नाम है, हिंदी में होटल टॉयस है, पिछड़न है, सब अच्छी फिल्में आ रही हैं, वो जरूर देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे हिंसा देते आए हैं हमारे स्कूल दर्शकों को। मनोज टाइगर जी हमेशा कुछ हट के काम करते हैं, तो पहली बार एक लीड रोल में कॉमेडी फिल्म बनाने जा रहे हैं, और की हीरोइन भी बहुत बेहतरीन कलाकार हैं अमरपाली जी, मैं समझता हूँ कि एक टर्निंग पॉइंट आना चाहिए इस फिल्म से। 12 साल हो गए,
13वां साल होने वाला है, नवंबर में होता है। उस वक्त हमारी इंडस्ट्री बड़ी बेहतरीन इंडस्ट्री थी, लेकिन एक चर्चित इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन अवार्ड ने बहुत कहीं न कहीं हमारे कलाकारों को, टेक्नीशियन को एक सम्मान दिलाने में राष्ट्रीय स्तर पे भूमिका अदा की, समय समझता हूँ। जो देश में या पूरी दुनिया में एक अवार्ड का सिस्टम है, जो अवार्ड होता है, करीब करीब हम रीजनल स्तर पर उस बेहतरीन प्रयास तो करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कुछ नहीं है, और क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। हमने फिल्म बनाई थी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को 50 साल हो गया था, तो कुछ लोगों ने कहा, तो हमने पीवा बड़ा सतावला फिल्म बनाई थी, 2012 में रिलीज हुई थी जी। आप सभी को धन्यवाद। इस पिक्चर तो बस आप लोग की दुआ है कि 11 मई को पिक्चर रिलीज हो रही है, आप लोग उसको देखें। शूट कंप्लीट हो गया, एक गाना बचा है, आप लोगों को सबको इनवाइट करेंगे, 28 तारीख को गाना है। तो हाँ, एक गाना हमने शूट करा है, अभी एक गाना आइटम परफॉर्मेंस कर रही है, उसका आपको नाम भी बता देंगे बहुत जल्दी। और यहाँ मैं आया हूँ मनोज जी के लिए आया हूँ, मनोज जी को मैं 8-10 साल से जानता हूँ, बच्चा था मैं उनके सामने, और आज के टाइम पे बस उनका ये जो बतासा करेक्टर है इतना फेमस है, उनको सपोर्ट करने आया हूँ। तो लगे रहो बतासा, और हमारी फिल्म जरूर देखना, हल्फा मचा के गए, 11 मई को रिलीज हो रही है। Global Advertiser for innovative outdoor solution. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं, और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।